हम बात कर रहे हैं HFCL की। आज के दिन की बात करें तो HFCL में फ़िलहाल हमको 1% तक का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ स्टॉक जो है फ़िलहाल 98.74 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियोस में हमने दोस्तों डिस्कस किया था 100 के लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस और तगड़ा रेजिस्टेंस। देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक ने हमको 100 तक का जंप दिखाया, वहाँ से अगेन छोटी मोटी गिरावट के साथ स्टॉक हमको काम करता नज़र आ रहा है। 100 का लेवल इसके पहले सपोर्ट का काम किया करता था, अब ब्रेकडाउन किया है तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बड़ी गिरावट के बाद जब स्टॉक बाउंस बैक हुआ है, 80-50 के लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है और 100 तक का जंप हमको दिखा चुका है। लेकिन क्या इतनी बड़ी रिकवरी के बाद यहाँ हमको इसमें बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है? क्या स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा रहा है? स्टॉक रिजेक्शन के बाद स्टॉक में बड़ा फॉल देखने के लिए मिल रहा है? तो इसका सारे सवालों का जवाब होगा नहीं, स्टॉक अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिला। और चार्ट पैटर्न भी देखें तो जंप गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अगेन जंप हाई ब्रेकआउट, छोटी मोटी गिरावट के साथ जंप आया और अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट दे गया। अब जो पिलर्स यहाँ इंटर हुए हैं वो 100 के आसपास भी बने हुए हैं, हालांकि 100 के लेवल से रिजेक्शन के फेस किया है लेकिन बड़ा सेलिंग नहीं देखने के लिए मिल रहा, तो इस बात का सिग्नल दे रहा है HFCL के 100 का ब्रेकआउट हमको दिखा सकता है आज के क्लोजिंग तक या तो फिर कल के ट्रेडिंग डे में हमको 100 का लेवल जो है ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है। इसके पूरे पूरे चांस बन रहे जिस तरह से चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। नीचे की ओर 94 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ब्रेकडाउन कर जाता है तो 90 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बात करें टारगेट की तो जैसे 100 का लेवल ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 10250, इसके बाद 108 और 1110 जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया है, 108-110 का लेवल। और इस हाई को स्टॉक ब्रेकआउट कर गया और ब्रेकआउट करने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे, इसकी वजह को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। 108 और 110 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर HFCL में 120 तक का जंप दिखा सकता है, वो HFCL और शॉर्ट टर्म में हमको 120 तक के टारगेट दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।